हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के एक बेसिक टर्म के बारे में, जो कि है व्हाट इज बायोलॉजी, जिसका मतलब है बायोलॉजी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी को मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। तो बायोलॉजी होती क्या, चलिए समझ लेते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इट इनकम्पाजेस द सेलुलर बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स। जो बायोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, और इसके अंदर हम सेलुलर बेसिस, जो लिविंग थिंग के सेलुलर बेसिस होते हैं उसकी स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग, इतना समझ में आएगा। लेकिन इससे हम और ब्रीफली कैसे समझ सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फादर कौन है बायोलॉजी के। तो अरिस्टोटल है हमारे, अरिस्टोटल जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसके कारण ये है कि इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने बायो में तो रिसर्च की, बट इन्होंने स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की है, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ अरिस्टोटल, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल को। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्कवर की हैं बायो बायो में, और इन्होंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी दिया है बायो में, इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है बायोलॉजी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया। तो जो द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस विच मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम, जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है, बायोस, और सेकेंड वर्ड क्या है, लोजोस। तो बायोस का मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लोजोस का मीन्स क्या होता है, स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिला, फर्स्ट बायोस और सेकेंड लोगोस। तो बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। सो आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो साइंस की ब्रांच है, तो बायोलॉजी के भी कुछ ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच कौन सी है, फर्स्ट ब्रांच है हमारी बॉटनी, ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंतर्गत वैसे दो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है बॉटनी। तो बॉटनी क्या है, तो आपको बता दें कि जो बॉटनी है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट की स्टडी अगर हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं, वो हम करते हैं बॉटनी ब्रांच के अंतर्गत। यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। नाउ सेकेंड ब्रांच क्या है बायोलॉजी की, तो जो सेकेंड ब्रांच है वो है जूलॉजी, जो सेकेंड ब्रांच है वो है जूलॉजी। अब जू से आप समझ पा रहे हैं कि जू मतलब एनिमल्स रिलेटेड वर्ड है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड जूलॉजी। तो ये है बायोलॉजी की दो ब्रांच, फर्स्ट बॉटनी और सेकंड जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हम करते हैं प्लांट की स्टडी, और जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी। और ये दोनों किसकी ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच है बायोलॉजी की। और बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी हमारी साइंस की ब्रांच। सो आई होप आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर गिविंग अ पीसेस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।